आज हम बनाएंगे पिंक सॉस पास्ता, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इसमें आपने रेड सॉस और व्हाइट सॉस नहीं बनानी है। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और इंस्टेंट मेथड शेयर कर रही हूँ। बहुत ही चीजी और क्रीमी पास्ता बनता है, काफी डिलिशियस लगता है, इसे जरूर ट्राई करें। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। तो आइए बनाते हैं बहुत ही इजी एंड क्विक पिंक सॉस पास्ता। इसके लिए सबसे पहले हम पानी बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने करीब 3 कप पानी लिया है बॉईल करने के लिए। जैसे इसमें रोलिंग बॉईल आ जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1 कप पास्ता। आप कोई से भी वैरायटी का पास्ता यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्यूरम वीट शेल पास्ता का यूज कर रही हूँ। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल। इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें। गैस की फ्लेम को थ्रू आउट हाई पे रखें और 5 से 7 मिनट के लिए इसे बॉईल होने दें। पास्ता को आपने ओवरकुक नहीं करना है, अलदांते रखना है। यहाँ पे हमारा पास्ता कुक हो चुका है, इसे ज्यादा बिल्कुल भी ना कुक करें। गैस की फ्लेम को बंद कर दें और अब पास्ता को हम स्ट्रेन कर लेंगे। पास्ता को स्ट्रेन करने के बाद इसे एक बोल में निकाल लें और अब हम इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे करीब 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल। इससे आपका पास्ता ठंडा होने के बाद भी चिपकेगा नहीं, तो इसे लाइटली टॉस कर लें और साइड पे रख दें। आइए अब स्टार्ट करते हैं पिंक सॉस पास्ता बनाना। इसके लिए मैंने एक पैन में डाला है 2 छोटे चम्मच ऑलिव ऑयल और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बटर। गैस की फ्लेम को लो पे रखें, बटर को लाइटली मेल्ट हो जाने दें और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच गार्लिक का पेस्ट। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक को फाइनली चॉप करके भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑरिगानो और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। इन सारी ही चीजों को बटर में सौते करने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो लाइटली सौते करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज स्लाइसेस में कट करा हुआ। प्याज को भी हमें लाइटली सौते करना है, इसका कलर ब्राउन नहीं करना है। बस प्याज को तब तक कुक करें जब तक कि वो सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो यहाँ पे अब प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें यूज करेंगे रेड सॉस का इजी ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ 1/4 कप टमेटो प्योरे का। टमेटो प्योरे डालने के बाद इसे अच्छे से सौते करें। यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ इजी एंड क्विक पिंक सॉस पास्ता की रेसिपी, जिसमें मैं रेड सॉस और व्हाइट सॉस नहीं बना रही हूँ। इजी ऑल्टरनेटिव्स यूज करके हम बिल्कुल वही टेस्टी एंड क्रीमी पास्ता बनाएंगे। तो टमेटो प्योरे को अच्छे से सौते करने के बाद इसमें डालें स्वाद अनुसार नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब व्हाइट सॉस की जगह हम यूज करेंगे फ्रेश क्रीम का। तो बिल्कुल उतनी ही जितनी हमने रेड सॉस यूज करी है उतनी ही हम व्हाइट सॉस डालेंगे, यानी कि 1/4 कप टमेटो प्योरे और 1/4 कप क्रीम का यूज करेंगे। क्रीम डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। क्रीम डालने से आपका पास्ता बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनेगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। पास्ता की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम पानी का यूज नहीं करेंगे, दूध डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चीज स्लाइस। आप चाहें तो प्रोसेस चीज क्यूब को ग्रेट करके भी इसमें यूज कर सकते हैं। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम इसमें डालेंगे सारी वेजीज। तो यहाँ पे मैं यूज करी हूँ 1/4 कप हरी शिमला मिर्च का, 1/4 कप गाजर का, 1/4 कप टमाटर और 1/4 कप बॉइल्ड कॉर्न कर्नल्स। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। आप अपने चॉइस की कोई सी भी वेजिटेबल्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टमेटो केचप और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमेटो केचप से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बॉईल करा हुआ पास्ता। आप देख सकते हैं क्योंकि पास्ता में हमने ऑयल ड्रिजल किया था तो पास्ता बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। पास्ता डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको कंसिस्टेंसी इस स्टेज पे थिक लगे तो थोड़ा सा मिल्क डाल सकते हैं। तो अब मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से ऑलिव्स, इसे फाइनल मिक्स देंगे और हमारा पिंक सॉस पास्ता बिल्कुल तैयार है। इसे करेंगे गर्मा गर्म सर्व। बहुत ज्यादा टेस्टी ये पास्ता बनता है। इसे बनाना है बहुत ही आसान। आपने देखा कि कितने क्विक और इंस्टेंटली ये पास्ता बनके तैयार हो गया है। आप भी इसे बनाएं, ट्राई करें, खासकर बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी पास्ता बना रहे हो इस रेसिपी को जरूर कंसिडर करें। आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।